नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का संपूर्ण जीवन परिचय। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 नागपंचमी के दिन निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। माता पिता, उनके पिता का नाम मुझे मिला है, माता का नाम कहीं पर भी मुझे मिला नहीं है। आपको अगर मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पिता का नाम है रामनाथ सिंह, जो एक जमींदार थे। भाई बहनों में 2 भाई और 4 बहनें इनकी रही हैं। संतान इनके बारे में कहा जाता है कि इनको 6 संतान थी। उनकी एक ही बेटी का नाम मुझे मिला है सुधा चौहान, उनकी एक पुत्री है थी। विवाह नाटककार लक्ष्मण सिंह के साथ 1919 में खंडवा में इनका विवाह हुआ था। भाषा इनको खड़ी बोली और हिंदी आती थी। शिक्षा इनकी बीए एलएलबी तक हुई थी। मृत्यु 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में हुई थी। कहा जाता है कि जब वे घर लौट रही थी तो उनका बेटा भी उनके साथ था और उसी कार एक्सीडेंट में या कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। सम्मान उनको 1931 और 32 में 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार या जो पारितोषिक मिला हुआ है। एक बार उनको मुकुल कविता संग्रह के लिए और दूसरी बार उनको बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए, मतलब सेक्सरिया ये जो पुरस्कार उनको 2 बार मिला हुआ है। उनकी रचनाएं या उनका जो मौलिक कार्य है इस तरह है। उन्होंने प्रथम रचना कविता विधा के अंतर्गत नीम नामक एक कविता उन्होंने लिखी थी, जो सुभद्रा कुंवरी नाम से उन्होंने लिखी थी और 9 साल की उम्र में उन्होंने ये कविता पहली बार लिखी थी। 1913 में लिखी हुई जो उनकी ये कविता है मर्यादा नामक पत्रिका में भी छपी थी। 1930 में उनका मुकुल कविता संग्रह आता है, उसके बाद त्रिधारा कविता संग्रह आता है। कुछ प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं, वैसे तो उन्होंने 48 के ऊपर कहा जाता है कि कविताएं लिखी या 80 के करीब करीब कविताएं लिखी ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध कविताओं के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, परिचय, पानी और धूप, पूछो, प्रतीक्षा, प्रथम दर्शन, प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रियतम से, फूल के प्रति, विदाई, भ्रम, मधुमय प्याली, मुरझाया फूल, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, यह कदम्ब का पेड़, यह भी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। विजयी मयूर, विदा, वीरों का कैसा हो वसंत, यह भी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी ये कविता पढ़ाई जाती है। वेदना, व्याकुल चाह, समर्पण, साध, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग में बसंत, इस तरह इनकी कविताओं के कुछ शीर्षक है। कहानी संग्रह में 1932 में उनका बिखरे मोती ये कथा संग्रह आता है, जिसमें 15 कहानियां संकलित है। भग्नावेश, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध, ग्रामीण कुल आदि इनकी कुछ कहानियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जो नारी विमर्श पर आधारित है। 1934 में उन्मादिनी ये उनका कथा संग्रह आता है, जो असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेश्या की लड़की, इस तरह कुल 12 कहानियां इस संग्रह में संकलित है, जो पारिवारिक जीवन पर आधारित है। 1947 में सीधे सादे चित्र ये उनका कथा संग्रह आता है, जिसमें रूपा, कैलाशी नानी, बिहाड़ा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर, मित्रा,
दुराचारी व मंगला आदि 8 कहानियों का विषय नारी एवं पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। हिंगवाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह आदि कहानियां राष्ट्रीय विषयों को लेकर लिखी गई हैं। इनकी राही कहानियां नीट के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, इसीलिए मैंने ये इनका परिचय आपको देने की कोशिश यहाँ पर की है। मिला तेज से तेज, ये उनकी जीवनी सुधा चौहान उनकी पुत्री द्वारा लिखित लक्ष्मण सिंह यानी दोनों माता पिताओं पर आधारित सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह इनके जीवन पर आधारित ये संयुक्त जीवनी है और हंस प्रकाशन इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि राष्ट्रीय चेतना की ये कवयित्री है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल भी जा चुकी है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नवनियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान ये नाम दिया था। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। 1920 से 21 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी और वीर रस की प्रथम कवयित्री भी इनको कहा जाता है। इस तरह सुभद्रा कुमारी जी का संपूर्ण संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।